तो ऐसा मोबाइल का डब्बा ले लेना दोस्तों, देख सकते हो ये मोबाइल का डब्बा है। इसको पहले मैं खोल लेता हूँ, इसको साइड रख दे तो यहाँ पर स्विच लगाना है, देख सकते हो स्विच है और सॉकेट है। तो पहले हम स्विच को खोल लेते हैं, देख सकते हो मैंने स्विच को खोल रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, ये हमारा स्विच बाहर आ गया। और ऐसा देख सकते हो नट बोल्ट भी है इसके साथ में इसको लगाने के लिए, और ये सॉकेट पिन है देख सकते हो, इसको मैं बाहर निकाला, बहुत अच्छा लग रहा देखने में। उसके बाद ऐसा नट बोल्ट एक और दे देता है, इसको यहाँ पर हमें सेट करना है और इसको भी सेट करना है। तो देख सकते हो मैं टेस्टर की मदद से पहले हम सॉकेट पिन को खोल लेते हैं, यहाँ पर से बहुत अच्छे से खुल जाता है आराम से, ये हमारा यहाँ पर निकल गया बाहर। और इसको बाहर निकाल लेते हैं, 100 अंदर पिन रह गया, उस पिन को बाहर निकाल लिए। पहले हम पेन की मदद से इस पर लाइनिंग खींच लेंगे, इसके एकदम मार्कर बना लेंगे, इसी के साइज हमें काटना पड़ेगा जिससे प्रॉपरली कट भी जाएगा और ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। देख सकते हो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर भी कर ले रहा हूँ मार्किंग, और यहाँ पर भी इस साइड भी कर लिया हूँ। अब इसको बटन ऐसे लगाना है तो यहाँ पर, तो पहले हम इसको काट लिए हैं, देख सकते हो बहुत अच्छे से कट गया है और यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो रहा है ये प्रॉपरली। अब यहाँ पर हम पिन से निशान लगा देते तो इधर बटन आएगा। ये सॉकेट पिन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेता हूँ। मेरे पास एक और भी सॉकेट पिन है, उसको यहाँ पर लगाने का है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ये बोर्ड बहुत अच्छा बनने वाला है, इलेक्ट्रिक बोर्ड आप भी घर पर बना सकते हो, बहुत आसान है, बहुत सरल है। देख सकते हो मैंने दो कटिंग कर लिया बहुत अच्छे से। अब इसके यहाँ पर हमें इस पिन को वापस से लगाना है, मैंने एक लगा लिया है और यहाँ पर भी इस पिन को सीधा करके इसे लगा लेना है, इसको भी लगा दिया हूँ और दूसरे वाले को भी इसे लगा देना है। उसके बाद हमें उस स्विच इसके अंदर लगा के इसको ऐसा सेट कर देना है, ये हमारा नट है, यहाँ नट है, बोल्ट को इसमें लगा के कस देना है बहुत अच्छे से। टेस्टर की मदद से हमारा बहुत अच्छे से टाइट हो गया है, बहुत इसको टाइट कर लें जिसे हिले ना और बाहर ना निकले। उसके बाद हमारा ये हो गया है, इसको ऐसे लगाना है। उसके बाद हमें बटन यहाँ पर ऐसे लगाना है, तो देख सकते हो बटन का निशान काटना है। पहले हम एक सॉकेट पिन एक और यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको ऐसे खोल लेता हूँ, देख सकते हो ये रहा सॉकेट पिन और ये रहा हमारा स्विच एक और है, इसको खोल लिया हूँ बहुत अच्छे से। अब इसको यहाँ पर लगाना है और ये बटन को यहाँ पर ऐसे सेट करना है, बहुत अच्छे सेट हो जाएगा। पहले इसको काट लेते हैं, मैंने काट लिया बहुत अच्छे से, देख सकते हो बटन भी बहुत अच्छे सेट हो जाएगा इसके अंदर। ये इधर लग गया और ये वाला इसको घुमाना, यार उल्टा हो गया है, तो ये यहाँ पर घूम गया है, ये बहुत अच्छे से लग गया, ये भी फिटिंग हो गया बहुत अच्छे से, देख सकते हो। पहले हम इसके अंदर मार्किंग कर लेंगे जिससे हम नट बोल्ट सेट कर सकेंगे, एक इस साइड भी, एक इस साइड भी, एक इस साइड भी, एक इस साइड भी। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और आप भी घर पर ऐसा बोर्ड बना सकते हो बहुत सरल, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर होल कर लिया है, देख सकते हो दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको वापस से जैसा था इसको वापस लगा देना है, इसको भी ऐसा लगा देना है, और यहाँ पर जो स्विच है इसको भी लगा देना है, इस स्विच को भी इस साइड लगा देना है। तो अब मेरे पास एक नट बोल्ट है दोस्तों, देख सकते हो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, पहले इसको डाल लेता हूँ बोल्ट को, इसको गोल गोल घुमा लेता हूँ, एकदम टाइट करना है जिससे छूट हिले ना, तो हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। टेस्टर की मदद से फटाफट हो जा रहा है, इसको यहाँ पर भी डाल लेते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं था तो मैंने सोचा क्या किया जाए, और दुकान पर बहुत महंगा मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बोर्ड बनाया जाए। तो मैंने खुद घर पे बोर्ड बनाया, बहुत आसान था। तो देख सकते हो मैंने पूरा नट बोल्ट लगा दिया है, बहुत अच्छे से सेटअप हो गया है। तो ये मैंने वायर लेके आया भंगार में, मुझे लारी पे मिला है 4 मीटर वायर, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो पहले हम इसको साइड रखते, पहले हम लाइट LED लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो हमारे मैंने होल कर लिया बहुत अच्छे से, यहाँ पर लाइट को ऐसा लगा देना है बहुत अच्छे से जिससे हमको पता चले, अगर पावर आएगा तो हमको पता चलेगा हाँ लाइट ब्लिंक करी, इंडिकेटर रेड जलेगा तो हमें पता चलेगा हमारा बोर्ड चालू है। तो मैंने यहाँ पर सुपर ग्लू डाल दिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हमें होल करना है इसके बाद दोनों अच्छे से, तो मैंने होल कर लिया है ये देख सकते हो। उसके बाद वायर को ऐसा गोल घुमा लेते हैं जिससे प्रॉपरली बाहर आ जाइए, तो थोड़ा और निकाल लेना है, इसको थोड़ा दूर कर लेना है। तो एक बोर्ड जो मेरे पास इसका टप ऊपर लगाने वाला है इसको भी निकाल लेते हैं जिससे हम इसको पैक कर सकेंगे, तो बोर्ड को बहुत अच्छे से। तो मैंने वायर को यहाँ से निकाल लिया, अलग अलग कर लिया है। देखो जो माइनस का इंडिकेटर का माइनस था लाइट, और ये पावर का माइनस, और एक वायर मैंने माइनस का एक और लिया है इसमें से, इसको दोनों को मोड़ लेना है, उसके बाद बटन में लगा देना है। आप किसी साइड भी बटन पर लगा सकते हो, तो मैंने बटन पर लगा दिया है, ये इस साइड देख सकते दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ से इसको टाइट कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, तो टाइट ही करना है, ज़्यादा टाइट करना जिससे ये वायर छूटे ना,
और जो ब्लैक वाला मैं एक्स्ट्रा वायर लगाया था वो इस बटन में आके लगा देना है। देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं पहले खोल लेता हूँ बटन के स्क्रू को, यहाँ पर लगा लेना है। ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। इसको मैं टाइट कर ले रहा हूँ, इसको भी सेम ऐसे ही टाइट कर लेना है। ये हमारा यहाँ का बहुत अच्छे से हो गया है। और जो रेड कलर का वायर दिख रहा है दोस्तों, ये पावर का और ये इंडिकेटर का रेड कलर, ये दोनों को एक में ज्वाइन कर लेना है। फटाफट हो गया है। तो जो सॉकेट पिन है उसको एक साइड में यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लेना है। ये देख सकते हो सॉकेट पिन को मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, एक साइड का सॉकेट पिन, तो यहाँ पर हमें इसके अंदर लगा देना है। यहाँ पर सेम ऐसे अंदर डाल देना है। अरे जा नहीं रहा यार, फटाफट जा। अरे ये निकल गया बाहर। ये वापस सेम ऐसे डाल के इसको टाइट कर देना है बहुत अच्छे से। ये हमारा हो गया। ये थोड़ा और टाइट कर दे रहा हूँ जिससे निकले ना बाहर। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो गया। मैं इसमें लगाया हूँ तो एक रेड कलर का वायर मैंने एक और लिया है, इसको यहाँ पर लगाना। पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, देख सकते हो बहुत अच्छे से। आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको बोर्ड समझ में आएगा। तो भी आप बोर्ड घर पे बना सकते हो इजीली। तो मैंने यहाँ पर इसको भी, जो मैंने रेड कलर का वायर लगाया था इसको वापस खोलना पड़ रहा है मेरे को। तो इसी के अंदर मेरे को ज्वाइन करना है। तो मैं इसको घुमा लेता हूँ वायर को, और इसको भी घुमा लेता हूँ। तो हमारा बहुत सरल है, बहुत ईजी है। इस साइड से घुमा के सीधा करके इसके अंदर डाल देना है। ये यहाँ पर थोड़ा वायर मुड़ गया, नहीं जा रहा था, तो वापस से मैं इसको वापस से ऐसे सेम मोड़ कर, देख सकते हो दिख रहा है आपको, ऐसा डाल देना है घुमा कर ये इस साइड से। थोड़ा इसको और खोल लेता हूँ। ये खुल गया बहुत अच्छे से, ये डल आ गया यहाँ पर, ये अंदर चला गया है। अब इसको टाइट कर लेना है बहुत अच्छे से टेस्टर की मदद से। ये हमारा बहुत अच्छे से टाइट हो गया है, देख सकते हो हमारा यहाँ का वायरिंग हो गया है। अब बचा हमारा एक बटन का और सॉकेट पिन का बचा है। तो यहाँ पर मैंने दो ब्लैक वायर लिया है, देख सकते हो। तो पहले ब्लैक वायर को मैं यहाँ से गोल गोल घुमा लेता हूँ, देख सकते हो। और ये स्विच जो बटन है, जो एक वायर बचा था वहाँ का, उसमें एक डाल लेना है, उसको टाइट कर लेना है बहुत अच्छे से फटाफट टेस्टर की मदद से यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया है। और जो सॉकेट पिन था एक और बचा था, उसको घुमा कर इसके अंदर डाल देना है ये यहाँ पर। तो इसको भी खोल लेता हूँ मैं, देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर ऐसे डाल देना है। ये बहुत अच्छे से इसके अंदर लग जाएगा, फिटिंग हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक साइड का। और यहाँ पर भी जो बटन और सॉकेट था उसके अंदर भी सेम ऐसे ब्लैक वाला इधर लगाना है। ये बहुत इजी है, वायरिंग भी बहुत इजी है। अगर आप बनाना चाहो तो आप घर पे खुद बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सरल है। इस वायर को ऐसे घुमा लेना है, थोड़ा मजबूती से पकड़ लेगा वो। यहाँ पर इसको भी पहले मैं सॉकेट को खोल लेता हूँ, ये थोड़ा ढीला हो गया। अब इसके अंदर इसे डाल देना है, ये बहुत इजीली चला गया है। अब इसको मैं यहाँ पर टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर ये फटाफट हमारा टाइट हो गया है, देख सकते हो बोर्ड रेडी होने वाला है। तो इसको मैं और टाइट कर लेता हूँ, देख सकते हो गया है। देख सकते हो जो पावर का वायर मैंने निकाला है, ये देख सकते हो ये रेड वाला है इंडिकेटर का, ये रेड में यहाँ से, और ये देख सकते हो माइनस का वहाँ से वहाँ ले लिया है, और ये माइनस का यहाँ से यहाँ ले लिया है। और ये जो देख सकते हो रेड वाला मैंने यहाँ से इस स्विच में डाल दिया है। आप भी बना सकते हो बहुत अच्छे से। तो इसको पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और यहाँ से निकाल, पहले हम इसके अंदर सुपर ग्लू लगा देते हैं जिससे वायर छूटे ना और वायर इधर से उधर ना हो और अपनी जगह बहुत व्यवस्थित लगा रहे। तो देख सकते हो मैंने सुपर ग्लू लगा दिया है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर हमें इसको वायर को ऐसे खींचना है यहाँ पर, ये ऐसे ये थोड़ा इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा इसको ऊपर उठाना है। ये हमारा यहाँ से सेटअप ये अच्छे से हो गया, हमारा बोर्ड बन के रेडी हो गया दोस्तों। देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। पहले हम इस वायर को यहाँ से छील लेते हैं। मैंने वायर को छील लिया है, और मेरे पास टू पिन है दोस्तों, देख सकते हो। ये टू पिन को मैं पहले खोल लेता हूँ, बहुत अच्छे से आराम से खुल जाएगा टू पिन को। ये थोड़ा नहीं खुला है शायद इधर का, ये थोड़ा भी लग रहा है नट खुला नहीं है। तो वापस से मैं थोड़ा इसको स्क्रू खोल लेता हूँ, ये हमारा स्क्रू से खुल गया है टेस्टर की मदद से। अब इसको मैं टेस्टर की मदद से इसको भी खोल लेता थोड़ा सा यहाँ से, और थोड़ा इसको भी खोल लेता हूँ टेस्टर की मदद से। यहाँ पर मैं वायर लगाने वाला हूँ, तो देख सकते हो इसको ऐसे मोड़ लेना है यहाँ से, जिससे मजबूती पकड़ लेगा यहाँ से डाल के, और इसको घुमा देना है और टेस्टर की मदद से इसको टाइट कर लेना है बहुत अच्छे से। ये बहुत सरल है, बहुत ईजी है। और ये यहाँ पर ऐसे इसको भी ऐसे अंदर डाल लेना है,
और इसको भी ऐसे टाइट कर लेना है फटाफट। तो ये भी बहुत टाइट हो गया, बहुत ईजीली है, इसको बहुत ईजी से टाइट हो गया है। अब इसको हमें यहाँ पर ऐसे रख लगाना है, यहाँ पर ऐसे, तो बहुत फिटिंग हो गया। और यहाँ पर हमें इससे वायर को साइड से निकाल लेना है। तो ये हमारा सेटअप हो गया है। अब इसको हमें यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। एक से तो वायर बाहर है तो इसको ऐसे दबा लेना है। अब इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर लेना है। ये टू पिन हमारा बहुत अच्छे से सेटअप हो गया है। हमारा बोर्ड बहुत अच्छे से तरीके से बन गया है, इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से लग गया है। इसको मैं साइड कर लेता हूँ, पहले सबको हटा लेता हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड मैंने खुद बनाया था, अब इसके अंदर लगाता हूँ। देख सकते हो लाइट बिलिंग नहीं कर रही है, इसका मतलब वायर ख़राब है। तो ये मैंने वायर भंगार से लाया था, अब इसकी जगह पे मुझे दूसरा वायर लगाना पड़ेगा, ये वाला। दोस्तों देख सकते हो मैंने दुकान से लेके आया 20 रुपये का 4 मीटर, तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया बहुत अच्छे से। अब चलिए इसको देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। तो मैंने वायर चेंज किया, इसको लगाया, देखो लाइट बिलिंग करने लगी है, इंडिकेटर देने लग गया है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। चलिए पहले हम कुछ चला के देखते हैं, पहले हम ब्लू गन चलाते हैं क्या लाइट ब्लू गन की लाइट जलती है या नहीं। तो इसको मैंने लगाया, चालू किया, ए इंडी इसमें भी लाइट बिलिंग करने लगी है, तो यहाँ पर ब्लू भी निकल रहा है। ये देखो मैं बोर्ड में लगा देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एक बोर्ड के लिए।